हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का हिंदी का चैप्टर नंबर 1, मन के भोले भाले बादल। तो सबसे पहले इसका TLO देख लेते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, मतलब एक बच्चे को जो है इसमें क्या क्या चीज़ें समझ आ जानी चाहिए एज अ टीचर। सो सबसे पहले जो है, जो भी टीचर है वो बच्चों को कविता पढ़ाएंगे और साथ में उनका जो वर्ड मीनिंग है या फिर जो भी कविता का मतलब है वो साथ में समझाते रहेंगे। नए शब्दों के बारे में पता करना, कठिन शब्दों के बारे में पता करना, कविता पे जो भी आधारित क्वेश्चन आंसर है वो पूछना, छात्रों को बादलों के बारे में बोल सके और लिख सके, और विभिन्न शब्दों के विलोम शब्द बता सके। अब नए शब्द इसमें क्या क्या है, जब्बर, झूम, जोकर, तोंद, सूंड, कुबड़, पंख, मतवाले, शैतानी, तूफानी, ढोलक, बाढ़, जिद्दी और भले। उसके बाद यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, अर्थ हैं, साथ में उनके सेंटेंसेस बनाए गए हैं। बाढ़, बाढ़ का मतलब जहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अधिक बरसात होने से नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। जिद्दी, हटी, मेरा भाई बहुत जिद्दी है। शैतानी, शरारत, बादल रह रहकर शैतानी करते हैं। भले, अच्छे, गुप्ता जी भले आदमी हैं। तो सबसे पहले इसके कठिन शब्द या नए शब्द कर लेते हैं। झब्बर, तोंद, गुब्बारे, कुबड़, टकराने, मतवाले, तूफानी, शैतानी, जिद्दी। उसके बाद शब्द अर्थ हैं, दौड़ने का मतलब भागने, झब्बर यानी कि बड़े और फुलावदार, कुबड़ ऊँट की पीठ, जैसे ऊँट की पीठ ऐसे ऊपर उठी हुई होती है उस तरह से, तोंद पेट, तूफानी हलचल मचाने वाले, शैतानी शरारत, चुपके छिपकर, भोले भाले सीधे साधे। तो क्वेश्चन आंसर है, मन के भोले भाले बादल कविता के कवि कौन है, श्री कल्पनाथ सिंह। आसमान कैसे बादल में दौड़ लगा रहे हैं, आसमान में कैसे बादल दौड़ लगा रहे हैं, तो कैसे बादल है वो, काले बादल। कुछ बादल किसके जैसे तोंद फुलाए हुए हैं, तो जोकर के जैसे तोंद फुलाए हुए हैं। कुछ बादल परियों के जैसे क्या लगाया हुआ है, उन्होंने पंख लगाए हुए हैं। बादल पानी कैसे बरसाते हैं, झरझर करके। बादल मन के कैसे हैं, तो वो मन के कैसे हैं, भोले वाले। कभी कभी बादल जिद्दी बनकर नदी नालों में क्या लाते हैं, वो बाढ़ लाते हैं। रह रहकर बादल किससे आपस में टकराते हैं, वो बादल जो क्या करते हैं, आपस में ही टकराते रहते हैं। बादल किसी की कब नहीं सुनते, ढोलक ढोल बजाते बादल किसी की नहीं सुनते हैं, जब वो ढोलक बजा रहे होते तो किसी की नहीं सुनते। अब आता है विलोम शब्द यानी कि उल्टा, ठीक है, उनका अपोजिट जो रहेगा वो, आकाश धरती, ऊपर नीचे, बाढ़ सूखा, बहुत कम, शैतान देवदूत। उसके बाद पर्यायवाची शब्द यानी कि जिन शब्दों का अर्थ जो है सेम है, जैसे बादल, बादल का क्या है, मेघ, जलद, जलधर, पानी को क्या क्या बोलते हैं, नीर, जल, अंबू, हाथी का गज, हाथी, मतन, आसमान, गगन, नभ, आकाश, नदी, सरिता, टटिनी और तरंगिनी। उसके बाद वर्तनी है, जहाँ पर आपको अनुस्वार और अनुनासिक लगाने हैं, यानी कि वो जो आपके बिंदी और चंद्र बिंदु होते हैं वो, तोड़ के ऊपर आपका अनुनासिक लगेगा, पंख ये बिंदी लगेगी, सून के ऊपर चंद्र बिंदु और तोंद के ऊपर बिंदी। अब इन शब्दों को पूरा करना है, बर सात तो ये वाला आएगा, देन ढो लक ला आएगा, शैतान ये आएगा, और भला ये। रचनात्मक लेख है, बादल कैसे होते हैं और बादल होते तो कैसा लगता, अगर आप बादल होते तो कैसा लगता उसके बारे में लिखना है। सो अगर मैं बादल होता या फिर होती, ठीक है, तो ढेर सारा पानी लेकर जाता और जाती, और जहाँ बरसात नहीं होती वहाँ पानी बरसाते। मैं बिना रोक टोक आकाश में कहीं भी उड़ता और अपने दोस्तों को अपनी पीठ पर बैठा कर आसमान की सैर कराता। कुछ और विलोम शब्द हैं, आसमान, जमीन, काले, सफ़ेद, मतवाले, शांत, आना जाना, जिद्दी, सुलझा हुआ, भोले भाले, तेज तर्रा। वचन बदलो यानी कि एक से ज़्यादा बनाना है, बाल बालों, गुब्बारा गुब्बारे, ऊँट ऊँटों, बादल बादलों, शैतानी शैतानियाँ, तो यहाँ पर ता आएगा। सो ये था आपका चैप्टर मन के भोले भाले बादल, इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग और ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो सब। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।